पशु चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सड़क से लेकर संसद तक में इस मामले को उठाया जा रहा है। लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इसके बावजूद इंसानों के भेष में घूम रहे दरिंदे बेखौफ हैं। उनके मन में कानून का कोई डर नहीं है। ऐसे ही दो हैवानों ने सोमवार को मध्य प्रदेश के दो जिलों में ऐसी घटना को अंजाम दिया है जो आपकी रूह को कपा देगी। पहली घटना मध्य प्रदेश के मुहू में 5 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। माता पिता के साथ सड़क किनारे सो रही 5 साल की बच्ची को दरिंदा उठा ले गया और दुष्कर्म किया, फिर गला दबाकर मार डाला। सुबह सोमवार मिले बच्ची के शव पर चोट के कई निशान थे, जिससे पता चलता है कि हत्या से पहले उसने हैवानियत की है। दूसरी घटना जबलपुर में हुई है। यहां 24 साल के सिरफिरे आशिक ने सोमवार दोपहर नाबालिग लड़की के घर में घुसकर चाकू से उस पर करीब 60 से 70 वार किए, उसकी आंखें फोड़ दी और आंतें बिखर गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के गांव कुदवारी में एक 24 साल का सनकी आशिक शिव कुमार चौधरी सोमवार दोपहर को एक नाबालिग लड़की के घर पहुंचा। उस समय लड़की घर में अकेली थी। शिव कुमार ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उस पर चाकू से 60 से 70 वार किए, उसकी आंखें फोड़ दी और पेट की आंतड़ियों को बाहर निकाल दिया। लड़की की चीख पुकार सुनकर जब पड़ोसी गेट तोड़कर घर के अंदर घुसे तो उसे खून से लथपथ पाया। वहीं आरोपी लड़की के सामने खड़ा था। लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वह 10 दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। बताया जा रहा है कि वह लड़की से एक तरफा प्यार करता था और 3 महीने पहले उसने लड़की के साथ अश्लील हरकत की थी। उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। मृतक लड़की के रिश्तेदारों का कहना है कि शिव कुमार हाथ में चाकू लेकर लड़की के घर में घुसा और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। लोग उससे दरवाजा खोलने की मिन्नत करते रहे, लेकिन आरोपी शिव कुमार ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से पीड़िता के चीखने की आवाजें आती रही, मगर अफसोस कि कोई उसे बचा नहीं पाया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने जेल से छूटने के बाद ही लड़की की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए उसने चाइना चाकू को ऑनलाइन मंगवाया था। उसने 3-4 दिन लड़की के घर की रेकी भी की थी। सोमवार दोपहर को लड़की के माता पिता जब घर पर नहीं थे तो वह मौका पाकर उसके घर में घुस गया और उस पर हमला कर दिया। इंदौर के पास स्थित मुहू में रविवार को एक 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है बच्ची अपने माँ बाप के साथ एक मंदिर के बाहर सोई हुई थी, तभी एक दरिंदा उस मासूम को चुपके से उठाकर ले गया। दरिंदे ने 200 मीटर दूर स्थित खंडर में ले जाकर मासूम के साथ ज्यादती की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची के माता पिता मजदूरी करते हैं। लड़की के पिता ने बताया कि रविवार शाम को खेलने के बाद बच्ची करीब 7:30 बजे सो गई। उसे खाना खिलाने के लिए उठाने की कोशिश की तो लेकिन वह नहीं उठी। रात करीब 11 बजे बच्ची की माँ और मैं दोनों सो गए। सुबह नींद खुली तो बच्ची गायब थी। मुहु पुलिस थाना प्रभारी अभय नेमा ने बताया कि बच्ची का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। अंदर वो दरवाजा बंद करे थे, अंदर घुस के मार गया। हम तो सोते रहे। 2-3 दिन से हम जाते रहे आर्डर में काम करने, तो 2-3 दिन के उसने दिया रहे, सोते रहे घर में। उसको लड़का एक भाई गया कि इसके हुआ है, हमारे लड़का बोला कि उतर भैया चल देख, वो हमारे नैन चौधरी अंदर घुसा है। तो बोलो काए, तो बोला कि हमको काम मालूम। फिर आए तो सब कोई मोहल्ले के लग के दरवाज़ा तोड़े, फिर निकाले तो दो ही देखे तो पलका पर डले रहे। तो इसको खून खच्चा में डला है, वो सीधे सामने पैसे पर हो। ये चौधरी कौन है, क्या नाम है? चौधरी के नाम नहीं, अभी लिखा तो गया है उसने नाम, हमको नहीं मालूम। अभी नया नया घर बनाया था, हमको नहीं मालूम। थोड़ी दूर पर थोड़ी आगे हम रहते हैं उसके घर के, कुदबारी अमखेरा के आगे, पाउस कंपनी के तक। अभी लड़की की हालत कैसी? लड़की की हालत अब अंदर का पता कैसी है। क्या नाम है? गीत हुआ नैना नाम है। नैना हमारा नाम। लच्छी किस चीज से वार किया? चाकू से किया है। चाकू लगे हैं पूरे हाथ में, पूरे हाथ पेट में, यहाँ पेट से लेके यहाँ से लेके पूरे अंग में लगा है चाकू। जो लड़का है उसका नहीं लगा है। मारने के बाद ये लड़का वहीं पर पड़ा रहा? हाँ, अभी पड़ा ही रहा, पुलिस वाले गए हैं।
क्या नाम है? हमारा नाम है लक्ष्मी गोस्वामी। शिव जी सर, ये कुदवारी की घटना है। कुदवारी में ये जो आरोपी है और जो बच्ची है वो पड़ोसी हैं। अभी 9वें महीने में पास्को एक्ट की एक कार्रवाई हुई थी जिसमें आरोपी शिव कुमार चौधरी को जेल में निरुद्ध किया गया था। पास्को एक्ट की धाराएं लगी हुई थी। जमानत में छूटने के बाद इसका कहना है कि इसे लड़की के घर वाले परेशान करते थे, जिसके चलते इसने उस बच्ची की हत्या की है। ये एनेमिक है। अभी जो हॉस्पिटल में हमने पूरे बॉडी का चेक करवाया, कहीं भी इसको खरोंच तक नहीं, एब्रेजन भी नहीं है। उसका कहना है कि एनेमिक है और थर्ड ग्रेड की एनीमिया है इसको, और इसको झटके आते हैं और बेहोश हो जाता है। ये सब हमारी जांच का विषय है। उसका कहना है कि जमानत भी जो इसकी हुई है मेडिकल आधार पे हुई है, ये सभी हमारे जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये 302 का मामला है। इसमें हमने तत्काल FIR दर्ज करके फास्ट ट्रायल में इस केस को चलाएंगे और इसको सख्त से सख्त सजा मिले इसका सुनिश्चित करवाएंगे। Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।